jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। जनप्रतिनिधियों का कॉलोनी में प्रवेश वर्जित, चौराहे पर होल्डिंग लगाया गया। किशनगढ़ कॉलोनी की सड़क के जर्जर हालत में, पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ सड़क निर्माण। जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर करके थक गए कॉलोनी निवासी। उत्तर प्रदेश सरकार का एक नारा, प्रदेश की सड़क में गड्ढा मुक्त। इसके चलते आगरा के मेयर श्री नवीन जैन ने आगरा शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया, आगरा की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर छावनी विधानसभा ईदगाह स्थित किशनगढ़ कॉलोनी की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। कॉलोनी निवासियों ने हर जगह शिकायत कर करके थक चुके हैं। इसलिए कॉलोनी निवासियों ने बाहर एक होर्डिंग लगाया, जिस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कॉलोनी प्रवेश वर्जित है बोर्ड लगाया गया। वाई के सिटी न्यूज से संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट, आगरा से। दीपक कश्यप है जी, आपकी क्या समस्या है जो आपने बैनर लगवाया? ये सर, किशनगढ़ कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में लगभग 20-22 साल हो गए और यहाँ की सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बाढ़ संख्या और क्या है, नाली भी ख़राब है। बाढ़ संख्या कितनी है? बाढ़ संख्या हमारी कौन सी है? 8 है। हाँ, वार्ड 8 है हमारा। यहाँ के पार्षद जी से आपने शिकायत की? पार्षद जी से निवेदन किया है, पार्षद जी ने बोला कि करवा देंगे। और कौन है यहाँ के पार्षद? नहीं, ऐसा है, पार्षद जी के जे उसमें नहीं आता है, उनके अधिकार में नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये विधायक जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। विधायक जी से आपने? हाँ, विधायक जी से भी निवेदन किया है, उन्होंने बोला करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब पिछले 20-22 साल से नहीं हुआ, तो ये समझ लो आपकी हुआ नहीं है अभी तक। ये आपने बाहर जो बैनर लगवाया है, इसका क्या कारण है, आपने ऐसा क्यों? बस ये है कि ये हमारी समस्या है, अगर ये समस्या का समाधान हो जाए तो बैनर हट जाएगा। मैं राकेश चित्रशाला से हूँ संपर्क में, क्या कहते हैं, झांकी होगा आपकी, जो आपकी समस्या? मेरी समस्या ये है, ये रोड नहीं बन रहे हैं ना नाली बन रही है। कितने समय से ये रोड नहीं बने हैं? 15-20 साल से। आपने इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद से या विधायक सबसे की? सबसे की हमने। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कही बन जाएगा बन जाएगा। कितना समय हो गया? 20 साल हो गए ना, 20-22 साल हो गए इस बात को। तो वो कभी क्षेत्र का दौरा करने आए? कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यह है कि ये सड़कें 20-22 साल से नहीं बनी है, राज बब्बर ने बनवाई, जब उसके बाद ये कोई सड़क नहीं बनी है। यहाँ सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, तो क्या आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं? गिर जाते हैं बच्चे, घायल हो जाते हैं, बड़े भी एक्टिवा वगैरह फिसल के गिर जाते हैं, टकरा के पत्थर वगैरह होते हैं उनसे। बरसातों में पानी वगैरह भी बढ़ता है, यहाँ पे पानी बढ़ जाता है। आपने इनकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? भाई हमने शिकायत तो कई बार जो वोट मांगने आते हैं उनसे बोला है, तो वो लोगों ने कहा कि हम लोग बनवा देंगे सड़कें, हम जीत जाएंगे। तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, काम नहीं होता, काम नहीं कोई कराता है।